रणबीर कपूर की 150 करोड़ के बजट वाली फिल्म शमशेरा को रिलीज के साथ फ्लॉप का टैग मिल गया। कहा जा रहा है कि शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो जिसे रिलीज के दिन ही फ्लॉप घोषित कर दिया गया। बात करें इसकी कमाई की, पहले दिन की कमाई इसकी महज 10 करोड़ रुपए है। जबकि इस फिल्म से सिर्फ यशराज फिल्म को ही नहीं बल्कि रणबीर कपूर को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। इस फिल्म में रणबीर के साथ संजय दत्त और वाणी कपूर लीड रोल में है। यशराज फिल्म की यह लगातार चौथी फिल्म है जो फ्लॉप साबित हुई। इससे पहले बंटी और बबली, जयेश भाई जोरदार, सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। आखिर वो कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से शमशेरा फ्लॉप साबित हुई? आखिर क्यों फ्लॉप साबित हुई 150 करोड़ की शमशेरा? आइए जानते हैं फिल्म से जुड़ी इन 8 कमियों के बारे में। पहली कमी है, शमशेरा को रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर बायकॉट किया गया। कहा जा रहा था कि इसमें हिंदू धर्म का अपमान किया गया जो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरी कमी है, करण मल्होत्रा की फिल्म शमशेरा को फ्लॉप होने की वजह खराब स्क्रिप्ट भी माना जा रहा है। पब्लिक का कहना है कि फिल्म की कहानी दमदार नहीं थी जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच कर ला सके। तीसरी कमी, फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी कमजोर है। रणबीर कपूर ने अपनी एक्टिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन दर्शक फिल्म से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए। फिल्म की कहानी कहीं कहीं छूटी नजर आई थी। चौथी कमी, फिल्म में संजय दत्त ने अंग्रेजों के इंस्पेक्टर का रोल निभाया था। ज्यादातर लोगों को उनका रोल पसंद नहीं आया क्योंकि ऐसा रोल वो पहले भी KGF 2 में कर चुके हैं। वहीं उनके लुक को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पांचवी कमी, फिल्म की सबसे बड़ी कमी इसकी स्टार कास्ट मानी जा रही है। फिल्म में जरूरत से ज्यादा गाने जो दर्शकों को बोर कर रहे थे। दूसरी ओर इसमें एक्शन सीन्स को बार बार दोहराया गया है। छठवीं कमी, फिल्म की कहानी में घिसा पिटा फॉर्मूला यूज किया गया। लंबे समय बाद डकैत पर आधारित फिल्म रिलीज हुई लेकिन दर्शकों को इसका कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया था। सातवीं कमी, फिल्म की लंबाई ज्यादा होने की वजह से दर्शकों को बोरियत महसूस हुई। फिल्म के सेकंड हाफ में बेवजह के एक्शन सीन को बार बार दोहरा कर दिखाया गया। आठवीं कमी, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी शानदार है लेकिन इफेक्ट्स का यूज सही तरीके से नहीं किया गया जिसकी कमी स्क्रीन पर साफ नजर आती है। हालांकि लद्दाख की कुछ लोकेशनों को बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। दोस्तों, जिन लोगों को ये मूवी पसंद आई अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई, क्या वो रीजन है जिसके कारण आपको ये मूवी पसंद नहीं आई? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।